आधे से नीचे कर लिया दिखा देख रहे हैं। अब ये थोड़ी देर में गल के खत्म हो जाएगा। इसका काम है कि जो हमारे बॉडी के अंदर अनावश्यक फैट चर्बी जमा हो जाती है उस चर्बी को गला के खत्म करना, ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित करना, एक उम्र के बाद में जब आपका खून मोटा होने लगता है उसको मोटा होने से रोकना ताकि थक्के ना बनने पाए, उसके अलावा जिनका बीपी अनियंत्रित है उस बीपी को दुरुस्त करना, तो ये फ्लैक्स ऑयल का काम है। अभी ठंडी का टाइम शुरू हो रहा है तो लोगों को अक्सर हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ जाती है, बढ़ जाता है ना जी। तो अगर आप बच्चे रहना चाहते हैं तो अपने लिए फ्लैक्स ऑयल घर में जरूर इस्तेमाल करिए। आप सब लोग अपने घरों में जरूर फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू करिए ताकि हम आप गंभीर बीमारियों से बचे रहें। ये हो गया डेमो, कुछ बचा भाई सब? सब गल के खत्म हो चुका है। थैंक यू, बैठ जाइए, आप उसको फेंक दीजिए, आप सब में भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लैक्स का डेमो। दूसरा डेमो हम करने वाले हैं आपके साथ में साबुन का। साबुन का भी सेम काम होता है कि एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, यानी हम आपको जर्म से प्रोटेक्शन देता है, कीटाणुओं से बचाता है। तो हम लोग दोनों साबुन में समझने वाले हैं कि साबुन की क्लीनिंग प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी है। दो साबुन हमारे पास में है, एक वेस्टीज वाला है और एक बाजार वाला डब है। ये दोनों पानी हम लोगों ने मिला लिया। दोनों में लगभग लगभग बराबर मात्रा में पानी है। एक के अंदर हम लोग कौन सा साबुन डालेंगे? डव। ये बाजार का बहुत नामी ब्रांड है ना सर जी। तो इसके अंदर हम लोग इसमें डालेंगे एक वाले गिलास में डव साबुन। ये डव ये हो गया डब जी, हमने डाल दिया इसके अंदर। और ये दूसरा कौन सा साबुन है? ये नीम वाला साबुन है, वेस्टीज का सॉफ है। अब इसको हम लोग निकालेंगे और डालेंगे दूसरे वाले गिलास में। ये है जी, एक बार आइए आप, आप आ जाइए, ये लीजिए वेस्टीज वाला पहन लिया ना, इसे ऊपर पकड़िए, ऊपर पकड़िए और अब फिर से पेन से चलाइए इसको, पेन चला, हाँ घुमाइए, मैं भी चला रहा हूँ बाकी चलाइए। कुछ अंतर नजर आ रहा है आप लोगों को? हमारे हाथ में कौन सा साबुन है और भाई साहब के हाथ में कौन सा है? पानी जैसा हो रहा है दोनों का, कैसा हो गया वो पानी जैसा था वैसे ही हो गया ना। और ये अब आप बताओ कौन सा साबुन लगाना चाहिए? मैंने इनसे ज्यादा चलाया है। दोनों साबुन आपके पास सामने है जी, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? अब ये साबुन मैं यहाँ पानी रख दे रहा हूँ, ये डब्बा आपके साथ रख रहा हूँ, अब डब्बे से आप पहचान के बताइए कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वेस्टीज। कुछ लोग कहते हैं महंगा है, तो ये आता है 100 ग्राम का साबुन 54 रुपए का। कितने का आता है? 54 रुपए। नीम तुलसी और पुदीने से बना हुआ है। ये बाजार में आता है 100 ग्राम का लगभग 58 रुपए के आसपास का। अब ये 58 रुपए का 100 ग्राम का साबुन और 54 रुपए का 100 ग्राम का साबुन, रिजल्ट दोनों आपके आंखों के सामने है। आप बताओ सर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 58 वाला या 54 वाला? 54 वाला। इसके अलावा ये
रिटर्न ग्राहक बन के खरीदेंगे तो आपको मिलेगा वेस्टीज वाला 45 रुपए का, यानी आपको ये छूट पर मिलेगा, 54 में नहीं मिलेगा। कितने मिलेगा? 45 रुपए। और ये आप चाहे जितने दिन से इस्तेमाल करिए आपको कितना देना पड़ेगा? 58 ही देना पड़ेगा। ये कितना देना पड़ेगा? 45 रुपया। और अगर ये साबुन हमारा वेस्टीज वाला आपने 4 महीना सिस्टम से कंसिस्टेंसी में खरीद लिया तो आपको पड़ जाएगा 23 रुपए में। जी, अब एक साबुन है 23 रुपए का 100 ग्राम है, एक साबुन है 58 रुपए का 100 ग्राम है, क्वालिटी आपके आंखों के सामने है, अब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वेस्टीज वाला। बताओ वेस्टीज वाला महंगा है या सस्ता है? हम लोग को तो फ्री मिलता है। फ्री ही मिलता है, सही बात सुन कर दी आपको। उसके अलावा ये साबुन लगाएंगे ये भी झाग बनाएगा, ये साबुन लगाएंगे ये भी झाग बनाएगा, ये साबुन लगाएंगे जिंदगी में 1 रुपया नहीं आएगा, ये साबुन लगाएंगे कार आएगा। अब कौन सा लगाएंगे? कार वाला। ये साबुन लगाएंगे आपको 1 रुपया नहीं आएगा, ये साबुन लगाएंगे तो आपको लाखों रुपए महीने आएंगे। अब कौन सा लगाएंगे? बात समझ में आ रहा है? अब फील्ड में जाएंगे तो लोग कहेंगे कि वेस्टीज वाला महंगा है, तो आप उनकी बात मानेंगे कि जो आज आंखों से देख के जा रहा है ये मानेंगे? अब उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। हो गया बात समझ में आ गई? जी। एक डेमो ये हो गया, अभी पानी से पीजिए बाहर से और ग्लास लेते आइएगा, थोड़ा सा ग्लास।